अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं ब्रोकली का सूप, जो बहुत ही लो कैलोरीज वाला सूप होता है। इसको मैंने गार्निश किया है ब्रोकली से, और इस पर मैंने थोड़े से गार्लिक जो थे उसको फ्राई करके इस पर डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें चीज़ ऐड की है। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। पैन में हम डालेंगे 1 कप पानी, और इसमें ऐड कर देंगे, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और एक छोटा मैंने पोटैटो लिया है। इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे कवर करके। मीडियम फ्लेम पे हमने अनियन और पोटैटो को अच्छे से कुक कर लिया है। इसको तकरीबन मैंने 5 to 7 मिनट तक पकाया है और नाइसली ये कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्रोकली, 250 ग्राम ब्रोकली है मेरे पास, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ी सी ये सॉफ्ट होगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी, तकरीबन 1/2 कप, जिसमें ये ब्रोकली जो है हमारी अच्छे से कुक हो जाए। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लो कैलोरीज वाला ब्रोकली सूप, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही यमी होता है ये। तीन से चार मिनट हो गए हैं, ब्रोकली हमारी सॉफ्ट हो गई है। 1 से 2 मिनट हम और बनाएंगे, यानी 1 से 2 मिनट हम इसे और कुक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ब्रोकली हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, फ्लेम अब हम करेंगे ऑफ और इसको हम अब ग्राइंड करेंगे। 1 कप मैंने दूध लिया है, पैन में हम डालेंगे 1 कप दूध, और इसमें ऐड करेंगे हम बटर, 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है। ये हमारी सॉस जो है वो रेडी हो रही है। कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है, तो जब तक ये थिक होगा हम मसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का सा ये थिक होना स्टार्ट होगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, हमें इस तरह की ही कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसे हार्ड नहीं करना। अब इस सॉस में हम ग्राइंड की हुई ब्रोकली जो ऐड कर देंगे। और इसको हम बॉयल होने तक थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और मज़ेदार सा हमारा ब्रोकली सूप, बहुत ही लो कैलोरीज इसकी होती हैं और ये वेट जो है लूज़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। सूप बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सा ब्रोकली सूप हमारा रेडी हो गया है। ये बहुत ही कम कैलोरीज वाला सूप होता है, वेट लूज़ करने में ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।